ओंकार बिंदु संयुक्त जयंती योगिन कामद मोक्षदम जैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुमकुंदारी जैनधर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगो मीशा सदौ पाज्ञान दर्शन लग्न शेषाम बाहिरा भावा सभी संयोग लग्ना ध्रुवचलने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ सुत केवली कथिताशमय प्रभुत तुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेरने ते माज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नम श्री देवी नम श्री देवी नम श्री देवी। प्रमागम शास्त्र सर्वविशुद्धिकार की 372 नंबर की गाथा अपने को लेनी है अभी। उसके बाद में भी एक वो 10 गाथा का पूरा झुमका है, थोड़ा उसका मूल बात का सार अपन ले लेंगे। 372 गाथा है, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में। को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब गाथा का अर्थ है अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इससे यह सिद्ध हुआ कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव में उत्पन्न होते हैं। सर्व द्रव्य अपने अपना स्वभाव में उत्पन्न होते हैं, माने कि द्रव्य की पर्याय जो द्रव्य की जो पर्याय होती है वो उसी द्रव्य में उत्पन्न होती है। द्रव्य अलग अलग है दोनों, मगर दोनों की पर्याय जीव की पर्याय जीव में और बाकी के जो भी द्रव्य कहे जाए उसकी पर्याय उसमें उत्पन्न होती है। तो वो अपने अपने स्वभाव से पर्याय उत्पन्न होती है। अभी इसकी टीका है, और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि पर द्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टांत पूर्वक समझाई जा रही है। पर द्रव्य कोई पुद्गल द्रव्य की कोई पर द्रव्य अपने जीव में रागादि उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि दो द्रव्यों की पृथकता के बीच में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। इसलिए कोई द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य का राग है वह दूसरा द्रव्य कभी उत्पन्न करा नहीं सकता। दोनों द्रव्य स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई आदान प्रदान होता ही नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का पर्याय उत्पन्न करे ऐसी उसमें योग्यता ही नहीं है, ऐसी उसमें अयोग्यता है। माने कि एक जीव की जो पर्याय उत्पन्न होती है वो जीव के ही परिणाम है, और पुद्गल की जो पर्याय होती है वो पुद्गल के परिणाम है। पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव द्रव्य का परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकता, और जीव द्रव्य का परिणाम पुद्गल द्रव्य का परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टांत पूर्वक समझाई जा रही है। मिट्टी
घट भाव से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के, ऐसा प्रश्न उठाया है कि मिट्टी जो है वो घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के, माने कि कुम्हार है वो अलग है और मिट्टी है वो अलग है, तो मिट्टी में से कोई उत्पन्न होती है पर्याय तो उसको मिट्टी की पर्याय बोली जाती है, और कुम्हार अगर मिट्टी में से घड़ा बना तो उसमें निमित्त है मगर निमित्त करता नहीं है, निमित्त कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य का निमित्तपना जिसमें है जो वो द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम को कर नहीं सकता है, होता है जरूर मगर कार्य की उत्पत्ति जब होती है एक द्रव्य की तब उसकी हाजिरी वहाँ होती है, तो उसकी हाजिरी वहाँ होती है उस अपेक्षा से ऐसा निमित्त से कथन भी किया जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, घड़ा तो बना है मिट्टी से मगर कुम्हार की हाजिरी देख के वहाँ दूसरा कोई हाजिर नहीं है मगर यही हाजिर है, तो उसकी निमित्तपने की हाजिरी की वो साक्षी है वहाँ पे, तो ये परिणाम हुआ है ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। कुम्हार कभी मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकता है और मिट्टी का घड़ा जो बनता है वो मिट्टी से बनता है, और गुरुदेव तो वहाँ तक उसमें ले जाते हैं, यहाँ तो ये प्रकरण है कि घड़ा बनता है वो मिट्टी से भी सचमुच नहीं बनता है, मिट्टी का घड़ा घड़े से ही अपने उपादान से बनता है मगर द्रव्य मिट्टी है उसका वो परिणाम है घड़ा, इसलिए वो कुम्हार ने नहीं बनाया है मगर मिट्टी ने बनाया है, ऐसा इसमें कहने में आता है। उसकी तत्समय की उपादानगत योग्यता से अपन देखें तो परिणाम जो घट रूप हुआ है वो घट रूप घट से खुद हुआ है मगर उसका द्रव्य कौन है, तो के द्रव्य है वो मिट्टी है क्योंकि वो मिट्टी का है ना घड़ा है, तो इस अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता मगर घड़ा मिट्टी से बनता है, ऐसा कुम्हार के स्वभाव यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के, तो कहते हैं कि यदि कुम्हार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है ऐसे पुरुष के शरीर आकार घट होना चाहिए, अगर जो कुम्हार ने घड़ा बनाया हो तो कुम्हार का जो आकार है ऐसा ही घड़े का आकार होना चाहिए, अगर वो बनाने वाला है तो उससे उसका द्रव्य से ये द्रव्य बना है इसका परिणाम उससे बना है तो उसका जैसा आकार है माने कि उसका जो स्वरूप है ऐसा ही घड़े का माने घट का स्वरूप होना चाहिए, तो उसका दोनों का स्वरूप तो पृथक पृथक है इसलिए उसको ऐसा अहंकार होता है कि ये घड़े को मैंने बनाया, ये मैं नहीं होता तो ये घड़ा नहीं बनता, ऐसा अहंकार अभिमान वो करता है मगर सचमुच दोनों क्रिया पृथक पृथक है, उसकी करने की क्रिया पृथक है और मिट्टी में से घड़ा बनने की क्रिया पृथक है, मात्र वो निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के उसकी हाजिरी देख के उसकी हयाती देख के वो ऐसा कहने में आता है कि यहाँ कोई माने कि ये बनकर नहीं था माने कि सुनार नहीं था मगर ये यहाँ कुम्हार था, इसलिए उसके ऊपर उपचार आता है निमित्त बने से कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, सचमुच कोई घड़ा कुम्हार बनाता ही नहीं है, वो बना ही नहीं सकता है, मिट्टी में से ही घड़ा बनता है और मिट्टी में से घड़ा बना है वो मिट्टी में से ही सचमुच बनता हो तो वो एक सरखा घड़ा बनना चाहिए, गुरुदेव ने बोला है इसमें, मगर वो एक सरखा नहीं बनता है इसलिए उसकी उपादानगत योग्यता से बनता है मगर उस समय वो पदार्थ कौन सा है वो घड़े में, तो बोला वो मिट्टी है उसमें, तो ऐसा कहने में आता है कि ये मिट्टी का घड़ा है ये सोना का घड़ा नहीं है, उस अपेक्षा से कहने में आता है कि ये मिट्टी का घड़ा है कुम्हार ने नहीं बनाया ये मिट्टी से घड़ा
बना है, मगर उस समय जो वहाँ नियमित रूप से होता है उसको तो ऐसा ही लगता है कि मेरे से ही बना है, मैं नहीं होता तो ये घड़ा बनता ही नहीं, ऐसी बात कहना चाहते हैं इसमें। उसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, ऐसे पुरुष के शरीर आकार घट रूप होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता, परंतु ऐसा तो नहीं होता क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। एक द्रव्य का परिणाम का उत्पाद अन्य द्रव्य के उत्पाद से कभी देखने में नहीं आता। अच्छा, उसकी वो अपेक्षा भी नहीं रखता। निमित का नाम ही निमित अकिंचितकर है। निमित इसे कहते हैं कि जो उपादान की क्रिया में हस्तगत न करे, उसमें कुछ कर न सके, उसको निमित कहा जाता है। अगर निमित उपादान की कोई क्रिया होवे, उसमें अगर निमित से वो कार्य होता हो तो वो उपादान हो जाएगा, उपादान की क्रिया नहीं रहेगी, वो निमित की क्रिया वही उपादान की क्रिया हो जाएगी। इसलिए निमित सदाय अकिंचित कर रहता है, वो कोई भी उपादान की क्रिया में निमित का हस्तक्षेप होता ही नहीं है। घड़ा कितना भी अच्छा बनाना चाहे कुम्हार, कैसा भी बनाना चाहे, मगर वो जैसा बनने वाला है ऐसा ही बनता है। उसका अभिप्राय ऐसा हो कि मैं इसको इस तरीके से अच्छा बनाऊँ, इस तरीके से अच्छा बनाऊँ, वो प्रयत्न भी करे, फिर भी माटी में जो घड़ा बनने की योग्यता अंदर में शक्ति रूप पड़ी है, वो शक्ति रूप योग्यता माटी रूप परिणमती है, ऐसा ही घड़ा बनता है। और ऐसा घड़ा बनता है तब वहाँ कुम्हार होता है, तो ऐसा कहने में आता है कि ये कुम्हार ने बहुत अच्छा घड़ा बना दिया, ऐसा तो पहले बना ही नहीं था, मगर सचमुच में उसने कुछ नहीं किया उसमें, वहाँ पे मिट्टी में ही उसकी योग्यता पड़ी होती है और वो योग्यता बाहर आती है उसी समय उसका परिणमन होता है, और वो परिणमन जैसा होने वाला है ऐसा ही होता है, तब वहाँ कुम्हार है, तो ऐसा कहने में आता है कि ये घड़ा कुम्हार ने बनाया, ऐसा निमित्त को देखकर निमित्त से ये हुआ, ऐसा कहने में उपचार करने में आता है। सचमुच घड़ा मिट्टी का द्रव्य से परिणाम बना है और परिणाम की योग्यता से परिणाम प्रकट हुआ है, ऐसा कहना चाहते हैं इसमें। और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है ऐसे पुरुष के शरीर आकार घटना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हार के साथ स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई, मिट्टी कुम्हार को स्पर्श नहीं करती है और कुम्हार सचमुच मिट्टी को स्पर्श नहीं करता है। दोनों द्रव्य पृथक पृथक है, वो क्रिया स्वयं होती है, वो माटी में से घड़ा बना है, कुम्हार की हाजिरी है, और मिट्टी में से घड़ा बनता है तब मिट्टी भी कुम्हार को स्पर्श नहीं करती है। दोनों का अरसपरस निमित नैमितिक और नैमितिक निमित ऐसा संबंध बताने में आता है, मगर सचमुच में ये सर्व अहेतुक क्रिया होती है, वो क्रिया परिणाम की परिणाम से होती है और परिणाम की परिणाम से क्रिया होती है, उस समय वहाँ जो हाजिर है उसको निमित कहने में आता है। इसमें ऐसा सिद्ध कर रहा है, निमित की हाजिरी का ज्ञान कराते हैं और द्रव्य का परिणाम, एक द्रव्य का परिणाम एक उसके द्रव्य से ही होता है, ऐसी सिद्धि करते हैं। निमित की हाजिरी नहीं है ऐसा नहीं है, और निमित से कुछ परिणाम दूसरे द्रव्य का होता है ऐसा भी नहीं है। ऐसा करके यहाँ ऐसा सिद्ध करते हैं कि दो द्रव्य के बीच में कोई वास्तव में संबंध होता नहीं है। निमित नैमितिक संबंध कहना वो भी व्यवहार है, सचमुच में अपनी जो त्रिकाली द्रव्य में योग्यता है ऐसा ही परिणमन मिट्टी का होता है, तब वहाँ कुम्हार निमित है। निमित है तो है, ठीक है, उसका ज्यादा माने कि निमित है निमित है निमित है तो निमित है तो क्या है, मगर निमित है तो है, निमित अकिंचित कर है भाई,
निमित्त कुछ करता नहीं होता परिणाम का, दूसरे द्रव्य का परिणाम का, कर्ता निमित्त दूसरा द्रव्य का परिणाम कभी नहीं हो सकता, मात्र हाजिरी सूचित करने का प्रकरण है। बाकी वहां जो भी होता है द्रव्य, कोई भी द्रव्य अपना परिणाम उस द्रव्य से ही होता है और दूसरा द्रव्य का कुछ हस्तक्षेप उसमें होता ही नहीं है। और ऐसी समझ करना उसका नाम ही दूसरा द्रव्य से दृष्टि उठती है और अपने द्रव्य पर दृष्टि जाती है, इस तरीके का ये प्रकरण है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए, देखो सभी द्रव्य है वो स्वपरिणाम पर्याय, अपना द्रव्य का अपने से ही परिणाम होता है, स्वपरिणाम पर्याय है, दूसरा द्रव्य से कुछ नहीं होता है, स्वपरिणाम पर्याय से उत्पाद होता है, मिट्टी से घड़ा का उत्पाद होता है, मिट्टी में से घड़ा का उत्पाद होता है, कुमार का जो है वो निमित्त बना है, मगर स्वपरिणाम पर्याय है, अपना ही द्रव्य का वो परिणाम है, अपने द्रव्य से ही परिणाम होता है, द्रव्य द्रवता है, माने कि द्रव्य में से ही परिणाम निकलते हैं, उसकी योग्यता अनुसार उसकी उसकी प्रगटता होती है, उसकी योग्यता अनुसार ही उसका जो परिणमन होता है। इस ऐसे कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से, निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से, यदि निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए। ऊपर दृष्टांत में आ गया ना, वही यहाँ बताते हैं कि अगर वो निमित से होता हो कुछ, निमित उसमें कुछ करता हो तो घड़ा का आकार भी निमित जैसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा आकार तो दिखता नहीं है, इसलिए निमित से कुछ उपादान में फेरफार हो सकता नहीं है। उपादान उपादान रूप है, निमित निमित रूप है, दोनों को कुछ संबंध सचमुच में है ही नहीं, उपादान से ही देखने की प्रवृत्ति जीव को करनी चाहिए। निमित का ज्ञान होता है और उपादान से देखने की उसकी वृत्ति होनी चाहिए, निमित का निषेध नहीं होता, मगर निमित जो है वो निमित भी अपने में अपनी जगह उपादान ही है। संबंध देखो दोनों का तब निमित नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है, बाकी उसका द्रव्य का परिणाम उसकी उपादानगत योग्यता से है, ये द्रव्य का परिणाम अपनी उपादानगत योग्यता से है। अभी दोनों को जोड़ के विचार करें निमित नैमित्तिक संबंध से तो निमित नैमित्तिक संबंध खड़ा होता है, वो ज्ञान कराने के लिए है वो सब बातें, मगर ज्ञान करके वो ज्ञान पर से दृष्टि छोड़ के अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि जानी चाहिए। उपादान वाला ऊपर चढ़ता है और निमित वाला हमेशा गिरता है, जो निमित को याद करता रहता है उसकी निमित पर से दृष्टि कभी छूटती नहीं है, और जो उपादान में आ जाता है चाहे क्षणिक उपादान में आ जाए त्रिकाली उपादान के भेद में, या तो वो भेद को छोड़ के अभेद त्रिकाली उपादान है उस तरफ चला जाए, तो जो परिणाम होता है उसमें जो अशुद्धता थी वो शुद्धता का परिणमन आपो आप योग्यता रूप प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते कि स्वभाव से, यदि निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित भूत अन्य द्रव्यों के आकार के होने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता, अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद नहीं दिखाई देता, एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य का परिणाम जैसा नहीं दिखता निमित होते हुए भी, जबकि ऐसा है तो सब सर्वद्रव्य निमित भूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। सभी द्रव्य का परिणाम अपने अपने से अपनी उपादान गत योग्यता से होता है, जैसे पानी है ना, पानी तो पानी है, वो पानी का स्वभाव तो शीतल है, शीतल स्वभाव ही है पानी, तो अभी अग्नि का निमित्त मिला उसको, निमित्त तो अग्नि का मिला,
तो पानी में क्या हो गया, पानी की पर्याय में उष्णता हो गई। तो अभी पानी शीतल था, वो पानी शीतल होने पर भी उष्ण दिखने लगा। हाथ डालते हैं अपन तो क्या है, उष्ण दिखता है पानी। तो अभी पहले तो शीतल था पानी, अभी उष्ण हो गया। तो क्या हुआ कि वो परिणमन बदला उसका, शीतल परिणमन में से अभी उष्ण परिणमन हुआ। तो उष्ण परिणमन हुआ किस अपेक्षा से हुआ, तो कि भाई उसको अग्नि का निमित्त मिला, इसलिए वो परिणमन क्या हो गया, उसकी पर्याय में उष्ण परिणमन हो गया। अभी वो परिणमन हुआ है उष्ण, वो अग्नि से हुआ है कि वो पानी से हुआ है कि पानी की पर्याय से हुआ है, ये प्रश्न है। अभी उष्णता तो हुई है, वो तो एकदम बराबर बात है, उसमें तो कोई ना ही नहीं बोल सकता। उष्ण हुआ है पानी, तो उष्ण पानी हुआ है कि उष्ण पानी की पर्याय हुई है। अभी उष्ण पानी की पर्याय हुई है तो वो पानी का द्रव्य से हुई है कि अग्नि के निमित्त से हुई है कि अपनी योग्यता से हुई है। निमित्त अग्नि का है वो 100% सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निमित्त है। मगर निमित्त से हुआ है वो पानी की पर्याय गर्म, निमित्त है, निमित्त की कोई ना ही नहीं है, मगर निमित्त है, निमित्त से पानी की पर्याय उष्ण हो गई है। अच्छा, वो पानी की पर्याय निमित्त से उष्ण नहीं हुई, तो अपनी द्रव्य से उष्ण हुई है। द्रव्य तो शीतल है, पानी का स्वभाव तो शीतल है, तो कैसे हुई उसकी योग्यता ऐसे उष्ण? तो के निमित्त का संग से होता है, पर संग एव 174 प्लस में पर संग एव, संग बदला है उसने, उसका संग दूसरी जगह हो गया है। संग करने से उसकी स्वतंत्र योग्यता से उष्ण हुई है। संग किया इसलिए वो जिसका संग किया उससे नहीं हुआ है कुछ, संग करने वो खुद जाता है, वो उष्णता नहीं आई है उसके साथ संग करने। तो ये ऐसा है कि वो पानी की पर्याय उष्ण हुई, वो निमित्त का है संग उसको, मगर वो उष्णता तो अपने में अपने से हुई है, अपनी योग्यता से। और उस समय भी उसने अपना शीतल स्वभाव तो छोड़ा ही नहीं। अग्नि कहीं जलती है, उष्ण पानी डाल दो उधर, अग्नि चली जाएगी, शीतल स्वभाव है उसका, वो शीतलता को अपने को पकड़ना पड़ेगा। सब है पर्याय में, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर के संग से यहां होता भी है सब, कुमार मिट्टी का संग करता है तो घड़ा होता भी है, ये सब है परिणाम। परिणाम की स्थिति को अपने को उड़ा देना नहीं है, मगर जरूर उसकी दृष्टि छोड़ना है, उसका ज्ञान करके वहां से दृष्टि उठाना है और स्वभाव पर दृष्टि ले जाना है। तो पानी का स्वभाव तो शीतल ही है भाई, उष्ण हुआ ही नहीं स्वभाव, पर्याय में उष्णता हुई है, वो भी अपनी योग्यता से पर्याय में उष्णता हुई है। तब बनाव क्या बना है, पूर्व पर्याय में तो शीतल था पानी पर्याय रूप, अभी बनाव क्या बना कि वो उष्ण हो गया? तो के निमित्त का संग किया है उसने, समयवर्ती संग है, समय 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 समयवर्ती संग होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। पिछली पर्याय का दूसरी पर्याय से बिल्कुल संबंध नहीं है, है ही नहीं। प्रवचन सार देख लेना आप, 99 100 101 गाथा 102 में जन्म क्षण वाली बात है, देख लेना, उसमें बहुत विस्तार किया है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय से संबंध नहीं होता, एक द्रव्य का दूसरी द्रव्य से संबंध नहीं होता, एक द्रव्य की पर्याय का दूसरी द्रव्य की पर्याय से सचमुच संबंध नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, वो व्यवहार है, मगर ऐसा है व्यवहार, ये भी है, नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है कुछ, परिणमन हुआ है ऐसा, मगर उससे नहीं हुआ, अपनी योग्यता से हुआ है। तब वहां पे कौन निमित्त है उसका ज्ञान कराया जाता है, ऐसा इसमें प्रकरण समझना इस तरीके से। पर संग ए, उसका संग किया उसने, वहां उष्णता है यहां पानी है,
संग माने कि वो दोनों का संग माने एक में थोड़ी होता है। जब अपने को छोड़ के उस तरफ झांकता है तो ऐसा हो जाता है, उसका संग से होता है ऐसी उष्णता, ऐसा कहने में आता है। संग माने कि अग्नि और पानी की परिया एक में थोड़ी हो गई है, वो तो दोनों स्वतंत्र है। जब यहाँ पर्याय में उष्ण होने की योग्यता प्रकट होने वाली है तब वहाँ उसके पास में अग्नि ही होती है, उसको बोला जाता है परसंग है, वो निमित्त निमित्तिक संबंध, ऐसा आया है समयसार में ही है। तो ये निमित्त निमित्तिक संबंध है ना, वो उसमें कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। बस निमित्त निमित्तिक संबंध को कोई निकाल नहीं सकता है, और निमित्त से यहाँ उपादान में कुछ होता है ऐसा मानना भी नहीं है, क्योंकि होता नहीं ऐसा कुछ। निमित्त निमित्त में है, उपादान उपादान में है, और दोनों को स्वतंत्र देखो तो दोनों उपादान है। कौन निमित्त और कौन उपादान, वो भी उपादान ये भी उपादान, सबकी उपादान 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 ही है सब जगह। हमें तो सब जगह उपादान ही दिखता है। ऐसा जिसको विचार दशा चलेगी उसका निमित्त पर लक्ष जाएगा ही नहीं, उसको ऐसा ही लगेगा कि अरे मेरी मेरी मेरे उपादान से ही मेरी क्रिया हो रही है, दूसरे दूसरे का मतलब ही क्या है, उसका हस्तक्षेप कुछ है ही नहीं दूसरे का मेरे में, मेरी उपादान की क्रिया मेरे से चलती है। अभी दूसरा निमित्त है न, वहां वो संग हुआ न, उससे हुआ न, वो हाजिरी थी न, सब होने पर भी देखना उपादान से, सब है कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, मगर देखना नहीं उधर, ज्ञान करके फिर उधर से खसक जाना। अपने को क्या है कि अपन उसका देखने जाते हैं, अपन उसका संग करते हैं, पर का अपन निमित्त को देखने जाते हैं, निमित्त अपने को बुलाता नहीं है तुम आओ मेरे पास। अभी जो गाथा आने वाली है ना इसमें है 377-382 में, उसमें ऐसा कहते हैं कि कोई पदार्थ तुझे कहता नहीं तू मेरे पास आ जा, मगर ये खुद जाता है वहां। गुरुदेव बोलते हैं उसमें कि रसगुल्ला ऐसा कहता है कि तू मुझे चाख है, वो नहीं कहता है कि तू मुझे चाख है, फूल नहीं कहता है तू मुझको सूंघ है, निंदा स्तुति का वचन निकलता है तो तुझे क्या है, वो तो जड़ का परिणमन है, उससे तेरे को लेना देना ही नहीं, तू तो चेतन भगवान आत्मा है, जानने का कार्य है तेरा, बस जानन क्रिया तेरी है, करोति क्रिया रागादि क्रिया तेरी हो ही नहीं सकती। वो बंधनिकार में आए 270 गाथा है बंधनिकार में, उसमें ऐसा लिखा है कि मैं परजीवों को मार सकता हूँ, परजीवों को जिला सकता हूँ, परजीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसे अध्यवतान अध्यवसान के काल में भी ऐसा अध्यवसान जीव को चल रहा है एकत्व बुद्धि का, ऐसे अध्यवसान के काल में भी उसकी ज्ञप्ति क्रिया सुरक्षित रह गई है, ऐसा लिखा है उसमें। पर्याय की ज्ञप्ति क्रिया ज्ञायक भाव और ज्ञान गुण ऐसा लेके वहां सामने वो हनन क्रिया और नर नारक की पर्याय और ज्ञेय में भाव ऐसा उसमें कंपैरिजन करके बताया है कि ऐसा होने पर भी तू ज्ञान में पड़े रह गया है, तेरी ज्ञप्ति क्रिया है, तेरी जानन क्रिया है, वो जानन क्रिया को तू पकड़ ले, ये सब हो रहा है, वो पता कहां चलता है, वो ज्ञान में पता चलता है, वो जानन क्रिया में पता चलता है, तो वो जानन क्रिया सदा ही रहती है, तो वो मेरी है, ये पदार्थ तो फिरते जाते हैं, वो मेरा नहीं है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, उससे मेरे में कुछ होता नहीं है, मेरी तो मात्र जानन क्रिया है, मैं तो जान रहा हूं बस। ऐसा विचार दशा अपने को करना है, उपादान से देखना सीखना है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है उपादान का कि उपादान से देखो, निमित्त से मत देखो, कर्म से विकार होता है कि अपने से होता है, वो बहुत चर्चा चली थी ना इसरी में भी, कितनी चर्चाएं चली, वो गुरुदेव ने कितना स्पष्ट किया, वो 85 की 62 गाथा बताई, मैंने कि निमित्त उपादान का प्रकरण तो पूज्य गुरुदेव श्री जो पूज्य गुरुदेव श्री से जो खुला है, इतनी स्पष्टता, इतनी स्पष्टता और बहुत बारीकी से भी चर्चा की पूज्य गुरुदेव श्री ने कि उपादान ही उपादान है सब जगह, उपादान को बल जहां नहीं निमित्त को दाव, सभी जगह उपादान उपादान ही दिखता है हमें, तो इस तरीके से ही सोचना। गाथा में निमित्त निमित्त संबंध बताया हो
उसको सिद्ध करके फिर प्रयोजन की सिद्धि पे चले जाना, इसका निषेध नहीं है और ऐसा व्यवहार है भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर प्रयोजन मेरा कैसे सिद्ध होगा ये समझ लिया। चलो अभी क्या करना है, अभी मेरी दृष्टि तो द्रव्य पर जानी चाहिए, नहीं तो ये सीखने से फायदा भी क्या है। तो कार्य तो ऐसे होता है और कार्य फल के बिना मूल की कोई कीमत नहीं है। परम पारिणामिक भाव कितना भी सुरक्षित हो, चैतन्य परमात्मा नायक भाव ध्रुव कुटस्थ एक रूप परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, मगर अनादि से है वो। तो तुझे काम का क्या, वो तेरी दृष्टि ही ना पड़े तो वो तो द्रव्य तो ऐसे ही ऐसे सुरक्षित बैठा है, दर्शन दे ही रहा है। तू दृष्टि तेरी जाने दे उधर, तू चला जा उपादान तरफ, त्रिकाली उपादान को देखने का प्रयास कर। वो कब प्रयास होगा कि इधर से ये सब चीजों से दृष्टि छूटेगी उसकी, तब जब तक उधर दृष्टि रहेगी, बार 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 एक ही विषय समझने का प्रयास जीव करता है। देखो स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसका नाम स्वाध्याय है, कि एक बार आप सुनो, एक बार उसको विचार में ले लो सुन के, फिर बार बार उसको सुनने की जरूरत नहीं रहती आपको, उसी को स्वाध्याय बोलते हैं। ऐसा उसको स्वाध्याय बोलते हैं, एक बार सुन लिया आपने तो फिर वो तो निर्णय में आनी चाहिए वो बात। अगर निर्णय में वो बात आती ही नहीं है और सुनते ही रहते हैं अपन, तो क्या मतलब है वो, उसका तो कोई, वो तो अनंत काल से अनादि से ऐसा ही चल रहा है वो तो। तो निर्णय तो होना चाहिए उसको कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक घंटा मेरा जा गया, दो घंटा गया, तीन घंटा गया है, तो उसमें मेरे को मिला क्या, उसमें मैं क्या ग्रहण किया मैंने, वो सोचना चाहिए उसको, वो सोच के निर्णय में आना पड़ता है उसको। सब चीजें सब परिणमन स्वाधीन स्वतंत्रतया चलता है, कोई किसी का परिणमन को फिरा सकने वाला जगत में नहीं है, कोई द्रव्य की कोई पर्याय कोई फिरा नहीं सकता। जो द्रव्य जो क्षेत्र जो काल है, जो भाव है, जो निमित्त से जो भाव में जो पर्याय होने वाली है वही होती है, आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा है, उसको समझ के उसको ज्ञान करके फिर वहां से दृष्टि अपने स्वभाव पर जानी चाहिए, तभी ये समझा वो सार्थक कहलाया जाता है। नहीं तो ये तो चलता ही रहता है ये सब तो है, सुनाने वाले सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं है? कार्य सिद्धि नहीं होवे तो क्या काम का। कीमती चीज है, अपने पास टाइम बहुत कम है। पूज्य गुरुदेव सिंह बोलते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ती, मैं बड़ा होता जा रहा हूं, मृत्यु की समीप जाता है, उनको पता नहीं चलता है, उनको ऐसा है कि मैं बड़ा होता जा रहा हूं, वो मृत्यु की समीप जा रहा है, तो ये विचार नहीं करता जीव उसका कि यहां से मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं, कैसी मेरी योग्यता है, कैसे मेरे को निर्णय करना चाहिए, कैसे मेरे काम होना चाहिए ये बहु में, ऐसी विचार दशा चलनी चाहिए भाई। नहीं तो भाई क्या है, ये सब तो शास्त्र है, ज्ञानी पुरुषों का उपदेश है, वो सब तो है ही, बहुत स्पष्ट हो गया है। देखो नियमित रूप से कोई कमी नहीं है जीव के पास, जो भी समझना है ऐसे सब निमित्त है उसके पास। आचार्य भगवान का शास्त्र है, गुरुदेव की वाणी है, विद्वानों की स्पष्टता है, सब निमित्त उपलब्ध है। उपादान जागृत होना चाहिए बस, और उपादान अपने पास है, निमित्त तो दूर है वो, और अपने में अपनी ही जागृति नहीं आती। काम तो वो करना है, ये कहना चाहते हैं इसमें। अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है, ऐसा होने से सर्व द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन न करते होने से निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्य के परिणामों के उत्पादक है ही नहीं। सर्व द्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से ही उत्पन्न होते हैं।
कि दो द्रव्य की पृथकता बता के अपना द्रव्य का अपना परिणाम है, दूसरा द्रव्य का दूसरा परिणाम है, एक दूसरा नियमित नैमितिक संबंध देखे तो जो क्रिया बनती है उसमें जो बाह्य पदार्थ की हाजिरी है उसको निमित कहने में आता है, ऐसा इसमें सिद्ध करके बताना ये चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। अपने में जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं उसका कोई कर्म होने पर भी वो कर्म अपने रागादि भाव को उत्पन्न कर सकता नहीं है, सब अपने अपने में स्वतंत्र है, किसी का किसी में लेना देना कभी होता ही नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव के रागादि का उत्पादक परद्रव्य को नहीं देखते मानते कि जिस पर कोप करे उसका भावार्थी है। पढ़ लेता हूँ मैं, आत्मा को रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है, यदि निश्चय नहीं से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादि का उत्पन्न करने वाला नहीं है, अन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्य के गुण पर्याय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते हैं ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि परद्रव्य ही मुझ में रागादिक उत्पन्न करते हैं, वे नई विभाग को नहीं जानते, माने कि नई से सोचना चाहिए उसको, इसमें कौन सी नहीं लगती है, इसमें कौन सी नहीं लगती है, व्यवहार नहीं निश्चय नहीं, ये सब प्रकरण है ना, अनंत नहीं है एक ज्ञान में, और वो श्रुत प्रमाण रूप होती है, श्रुत ज्ञान में नहीं होती है, मगर वो उसमें अनंत नहीं है, उसमें कम से कम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, उसका ज्ञान तो सभी जीव को होना चाहिए, तभी खतौनी सही हो सकती है। नहीं तो क्या होगा कि नई ज्ञान का थोड़ा भी अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा कि ये एक द्रव्य दूसरा द्रव्य अलग अलग है, उसमें क्या कैसी नहीं लगती है, कौन सी नहीं लगती है, ये सब प्रकरण वो तीर्थंकर भगवान की स्तुति की गाथाएं आई है ना 31, 32, 33, उससे पहले ये सब नई विभाग का प्रकरण भी आया है उसमें, और 47 नई जो प्रवचन सार की है उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, और 47 शक्ति के प्रवचन, वो शक्ति का प्रवचन और नई का प्रवचन दोनों साथ में सुनना चाहिए, तब पता चलता है कि शक्ति का परिणमन की स्थिति बताते हैं, उसी समय नई से भी क्या उसमें विचार करना चाहिए उसको, तो कभी जीव स्वच्छंद नहीं होता है। और मैं ये बोलता हूं कि जिसके ऊपर गुरुदेव है वो कभी स्वच्छंद नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला जो गुरुदेव को रोजाना सुनता है, क्योंकि उसमें सब बात आती है, कभी जीव उसको सुनने वाला कहीं भी फंसने वाला नहीं है। ये एकदम आप जो जो लोग नहीं सुनते हैं वो सुनने लगना, क्योंकि उसको सुन के बिना कुछ पता नहीं चलेगा शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं, बहुत अपेक्षाओं से भरा हुआ है शास्त्र, कोई भी परमागम निकाल लो बहुत अपेक्षा है, अपेक्षाओं का ज्ञान भी सम्यक जीव को नहीं होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो फंस जाता है वो जीव। इसलिए गुरुदेव का प्रवचन में जो बात आती है उसको एकदम बराबर रुचिपूर्वक सुनने से, वहां से ग्रहण करके उसमें से माल निकालना कि इसमें क्या किया, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा, तो पता चलेगा कि ये शास्त्र का मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है, शास्त्र शास्त्र में शास्त्र का मर्म नहीं है, ज्ञानियों के हृदय में होता है, और वही निकाल सकते हैं कि ये शास्त्र में क्या कुनकुन आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य कहना चाहते हैं। तो इस तरीके से गुरुदेव को सुनना बहुत जरूरी है। और अभी तो क्या है, बहुत सा साहित्य हो गया, अक्षरस प्रवचन छप गए, तो समझ में नहीं आता है गुरुदेव क्या बोलते हैं, वो नहीं समझ में आता है, वो सब बातें निकल गई। अभी सामने शास्त्र है, प्रवचन चलते हैं, आप सुनो और एक एक पॉइंट जो अगत्य का आवे उसको नोट करो, नहीं समझ में आए तो जिसको पता है उसको पूछो, मगर गुरुदेव का प्रवचन से निचोड़ निकालो, सब निकालो। वो अभी भाई साहब ने भी बोला ना कि अपने पास आध्यात्मिक पुरुष जो नानी पुरुष अपने पास वही है, और उसकी बात जो है उसमें बहुत मर्म है, बहुत मर्म है, सभी स्पष्टीकरण आ गया है। इस तरीके से सोचना चाहिए जीव को, वे नई विभाग को नहीं समझते, वे मिथ्या दृष्टि है, यह रागादिक जीव के सत्व में उत्पन्न होते हैं,
पर द्रव्य तो निमित मात्र है ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति में अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग द्वेष की उत्पत्ति उसमें अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें। राग द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है, अन्य द्रव्य पर आरोप हम क्यों देवे। वो तो मेरे अपराध से ही राग होता है और मेरे निरपराध से ही वितरागता प्रकट हो जाएगी। ऐसा कह के यहाँ ये गाथा पूरी करते हैं। अभी इसका श्लोक भी है और बाकी की गाथाएं भी है, मगर श्लोक अपन एक बार ले लेते हैं, बाकी की गाथाएं तो अभी रह जाएगी। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, कलश बोलिए ले लिया। इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है। इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाए, मैं तो ज्ञान हूँ, मेरा जो भी परिणाम होता है मेरे से होता है, उसमें दूसरा द्रव्य कुछ करता नहीं है, उसमें वो स्वयं अपराधी खुद अपना अज्ञान है, अज्ञान से ही ये सब हो रहा है। इसलिए बोलते हैं कि इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाओ और मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञायक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी उसकी सोच चलने लगती है तो दूसरा द्रव्य एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य के साथ संबंध उसका जरूर छूटता है। क्योंकि दूसरा द्रव्य में ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, तो ज्ञान मात्र कहाँ है, तो कि मेरे में ही ज्ञान बसता है, द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, उसकी पर्याय में ज्ञान, सभी जगह मुझे तो ज्ञान 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 ही दिखता है, सर्वत्र ज्ञान का ही चमकना है, सब जगह मुझे तो ज्ञान ही दिखता है, ऐसे मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जिसका विचार चलता है वो पर द्रव्य से पृथक होके अपना द्रव्य में आरूढ़ होके उसकी दृष्टि वहाँ जाके उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ये प्रकरण अपना थोड़ा अधूरा रह गया है, इसलिए अभी दूसरी बार कभी मौका मिलेगा तो ये प्रकरण समाप्त करेंगे। यहाँ से जो भी ये चार दिन में बात कही गई है उसमें आपको जो अच्छी लगी हो वो आपकी है, आपको अच्छी नहीं लगी हो वो मेरी है, इस तरह से समझ के सभी मोक्षार्थी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।